पिछली वीडियो हम देखे थे डिटेल सिलेबस ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। उस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक था फाउंडेशन। सिलेबस का बात छोड़ दीजिए आप, जब किसी कोई बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले पहले हम किसको बनाते हैं, फाउंडेशन को बनाते हैं। सबसे पहले खोदेंगे नींव और उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यानी बिल्डिंग का पहला हम काम क्या करते हैं, ड्राइंग। यानी पहला हम काम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम पहला ड्राइंग क्या पढ़ेंगे, फाउंडेशन। उसके बाद फर्श पढ़ेंगे, छत पढ़ेंगे, डोर पढ़ेंगे, विंडो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एकदम लास्ट टॉपिक मेरा क्या होता है, बिल्डिंग ड्राइंग, है ना। तो आज से आपका ड्राइंग शुरू हो गया। आज से हर एक सब्जेक्ट का एक दो वीडियो रेगुलर आपके पास जाता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यू आता है तभी। देखिए कोर्स तो हम कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा व्यू आए कम व्यू आए, जिस काम को हम शुरू कर देते हैं अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक होता है जब ज़्यादा व्यू, अच्छा कमेंट, लाइक मिलता है तो एक अंदर से एनर्जी के साथ आदमी पढ़ाता है, और जब थोड़ा बहुत व्यू नहीं आता है ना, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है कि यार लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, कोई दिक्कत है क्या। तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा अच्छा कंटेंट लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यानी नींव, फाउंडेशन मतलब क्या होता है आपका, नींव, है ना। फाउंडेशन यानी नींव। अब आपसे आज से आपको फील होने लगेगा हाँ हम सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अब समझिएगा नींव कई तरह से। अभी हम डायरेक्ट ड्राइंग को नहीं बनाते हैं, आराम से पाँच मिनट मैक्सिमम कुछ कंसेप्ट को समझिए। क्योंकि डायरेक्ट ड्राइंग बना देंगे, पहला ड्राइंग है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो कुछ कंसेप्ट को समझिए, ड्राइंग क्या होता है बिल्डिंग का वह, सॉरी नींव क्या होता है बिल्डिंग का वह पार्ट जो हिडन रहता है, यानी दिखाई नहीं देता है, ज़मीन के नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन, है ना। जैसे कुआं, कुआं क्या है, कुआं आपका एक स्ट्रक्चर नहीं है, कुआं आपका क्या होता है, फाउंडेशन होता है, नींव होता है ना। जैसे कि है ना, तो आप समझ रहे हैं, जो ज़मीन के नीचे हो गया वो मेरे लिए क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। अब समझिएगा फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन समझ गए। अब देखिएगा हम जब डिटेल सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे थर्ड सेमेस्टर का, उसी टाइम हम बताए थे कि यदि आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है ना, थोड़ा भी यदि आपके अंदर टैलेंट है तो हम ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे, पढ़ाएंगे, इसी से आप पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कुछ कंसेप्ट बताते हैं, समझिए पहले। नींव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उथला नींव और गहरा नींव, ठीक है। यानी सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसकी गहराई है ना, जिसकी चौड़ाई उसकी गहराई से कम हो या फिर बराबर हो, समझिएगा। नींव की कुछ चौड़ाई होगी कि नहीं, अब देखते होंगे घर में कुछ नींव इतना चौड़ा खोदा जाएगा, है ना, इतना चौड़ा खोदा जाएगा या इतना चौड़ा खोदा जाएगा। अपने घर में जो देखेंगे तो दीवार बना रहता है, तो दीवार की मोटाई से ज़्यादा चौड़ाई नींव का रहता है, तो नींव कुछ चौड़ा खोदा जाता है, वो क्या हो गया, नींव की चौड़ाई बी। लेकिन ज़मीन के जितना नीचे खोदेंगे वो क्या हो गया, नींव की गहराई डी। नहीं समझे, समझिए यहाँ, है ना। ये देखिए एक ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन का तल, है ना। एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा अभी धीरे धीरे। ग्राउंड लेवल मतलब ज़मीन का तल, है ना, ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन का तल। अब देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे जो आते हैं उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ज़मीन के नीचे यानी जो आएंगे वो नींव की गहराई, तो गहराई आपको समझ आ गया। लेकिन नींव कितना चौड़ा है, देखिए ये नींव बहुत दूर तक जाएगा, है ना, ये नींव बहुत दूर तक जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, नींव की चौड़ाई। यदि नींव की चौड़ाई उसके गहराई से कम है या फिर बराबर है तो उसे कहेंगे उथला नींव, गहरा नींव किसे कहेंगे। यदि नींव की चौड़ाई गहराई से कम है, समझिएगा, सॉरी, यदि नींव की चौड़ाई अधिक हो, हाँ, नींव की चौड़ाई गहराई से अधिक हो या बराबर हो, उथला नींव। यदि नींव की गहराई अधिक हो तो गहराई, सिंपल समझना है, गहराई को याद कर लेना है, गहराई मतलब डी अधिक रहेगा, ठीक है। तो गहरी नींव किसे कहते हैं, जब नींव की गहराई चौड़ाई से अधिक होती है। उथली नींव, जब नींव की गहराई चौड़ाई के बराबर या चौड़ाई से कम होती है, उसे कहते हैं हम लोग उथली नींव या उथला नींव, सैलो फाउंडेशन। अब समझिएगा जैसे उथला नींव में क्या आता है आपका, स्प्रीड, खसकेदार नींव, खसकेदार नींव यानी स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन, स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉलम फूटिंग आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रिलेज फाउंडेशन, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका बहुत सारी आ जाएगा राफ्ट फाउंडेशन,
राफ्टर फाउंडेशन, ठीक है। गहरी नींव में क्या आ जाएगा आपका, वेल फाउंडेशन, जो हम कुआं कह रहे थे, कुआं जो कह रहे थे हो जाएगा ना। उसके बाद आ जाएगा पाइल, जो पिलर होता है, पिलर होता है जो देखेंगे कि जो नदी में जिस पर ट्रेनें चलती हैं नदी के नीचे पिलर रहता है ना, या जो ओवर ब्रिज रहता है नीचे पिलर रहता है, ठीक है। तो देखिए उथली नींव कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इतना ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपके सिलेबस में क्या है, एक ही है, स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन एकदम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। एकदम सिक्स्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे आप, ग्रिलेज फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन कभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, इसका स्टडी हम लोग नहीं कर सकते, मतलब कि डिप्लोमा लेवल पे इसका नहीं है। कॉलम फूटिंग फाउंडेशन फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में कौन सा आपको पढ़ना है, बस स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन। हिंदी क्या होगा, खसकेदार नींव, ये सब तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये सब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ड्राइंग में बस न्यू में एक ही ड्राइंग पढ़ना है आपको, खसकेदार न्यू थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। यानी हम आपसे पूछ दें कि खसकेदार न्यू कौन किस तरह का न्यू है, कहेंगे सर खसकेदार न्यू एक तरह का उथली न्यू है। उथली न्यू मतलब क्या हो गया कि जिसकी चौड़ाई उसकी गहराई से अधिक होगी, यानी कम गहरा होगा, है ना। चौड़ाई देखिए, गहराई क्या है, उसकी चौड़ाई से कम है। आपको अपने घर में देखिए, ज़्यादा गहरा तो फाउंडेशन खोदते नहीं है, लेकिन देखिए उसमें जो पाइल फाउंडेशन रहता है जो नदी के नीचे, काफ़ी नीचे तक लेके गए रहेंगे कि नहीं भाई, गहराई काफ़ी नीचे तक लेके गए रहेंगे। चौड़ाई मतलब ये जो गोलाकार है तो उसका डाया ही मान लीजिए चौड़ाई हो गया, वर्गाकार है तो चौड़ाई कोई एक ले लीजिए, लेकिन डाया रहेगा तो डाया हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए काफ़ी गहरा है ना, गहरी नींव यानी काफ़ी गहरा, देखिए गहराई अधिक, जमीन के काफ़ी नीचे तक लग जाते हैं। आपको क्या पढ़ना है, बस खसकेदार नींव, स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन, बस इतना ही कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट दो कंसेप्ट और आएगा, उसको हम बीच में बता देंगे, ठीक है। आपको इतना पता चल गया नींव क्या होता है, नींव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उथली नींव गहरी नींव, आपको कौन सा नींव पढ़ना है, उथली नींव। उथली नींव का बस एक नींव पढ़ना है, खसकेदार नींव, बस आपके एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन देगा, क्या देगा कि 30 सेंटीमीटर मोटाई के दीवार के लिए नींव का आरेख बनाइए, आरेख खींचिए, है ना। देखिए थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें, है ना, समझिएगा, थर्ड सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। ये जो कह देगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए नींव का आरेख खींचिए, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि अरे यार कौन किस नींव का खींचें, तो डायरेक्ट आपको किस नींव का खींच देना है, खसकेदार नींव, क्योंकि वही सिलेबस में ये वो क्या लिख देगा, 30 सेंटीमीटर मोटाई के दीवार के लिए खसकेदार नींव का आरेख खींचिए। यदि वो लिख देगा खसकेदार नींव, तो खसकेदार नींव खींचना ही है, लेकिन यदि वो न लिखे तो आपको समझ जाना है कि सिलेबस में खसकेदार ही नींव है, दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा नींव खींचे, डायरेक्ट खसकेदार नींव का खींच दीजिएगा, अभी हम खींच देंगे फटाक से, ठीक है। अब समझिएगा, अब चलिएगा कुछ इसको हम देखते हैं। खसकेदार नींव मतलब क्या है, इसका खसका कटा रहता है। खसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए आप जिसका छठ का पूजा होता है तो कैसा बना रहता है, देखिए ऐसा बना रहता है ना, ऐसा चारों तरफ से, है ना, बना रहता है कि नहीं, चारों तरफ से ऐसा। तो ये जो निकला है ना, इसे क्या कहते हैं लोग, खसका कहते हैं, क्या कहते हैं, खसका निकला हुआ है। तो खसका कुछ समझ है, खसका मतलब कि हर स्टेप में कुछ किनारे से छोड़ देंगे, है ना, उसे क्या कहते हैं, खसका कहते हैं। पहले इतना मोटा बनाएंगे, समझ पा रहे होंगे ना, पहले बड़ा बनाएंगे, फिर चारों तरफ से थोड़ा खसका छोड़ेंगे, फिर चारों तरफ थोड़ा खसका, ऊपर थोड़ा सा बचेगा। छठ का पूजा करते हैं ना, पता होगा, बलिया वाले तो एकदम जानते होंगे, है ना, हम बलिया से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बलिया वाले जानते होंगे ज़्यादा छठ होता है ना, वैसे अब सब लोग जानते हैं। अब समझिएगा, फिर भी आपको नहीं समझा, हम आपको 3D बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा आप एक, है ना, चलिए हम इसका क्या करते हैं, डिटेल में 3D बनाते हैं। आप बताइएगा कैसा 3D बना है, है ना, वैसे आता नहीं हमको जितना अच्छा 3D बनाना,
उत्तरी कहीं कुछ छोटा क्या कुछ तो छो हाँ हाँ चोर मिल गया भाई, यहाँ छूट रहा था कुछ। ठीक है हम कह रहे हैं कुछ छूट रहा है। हाँ देखिए अब देख खसकेदार, अब खसका समझ आ रहा है, इसी तरह इधर भी हो जाएगा। यानी प्रत्येक स्टेप में क्या करते हैं कुछ छोड़ते हुए जाते हैं। अब सोचिए आपके घर में इस साइड बनता है कि नहीं बनता है, है ना। सबसे पहले देखिए दीवार पतला होता है, दीवार से चौड़ा थोड़ा कुर्सी लेवल होता है ना। फिर सबसे पहले घर में क्या करते हैं, सबसे पहले चौड़ा में क्या करते हैं फाउंडेशन खोदेंगे। याद करिए घर में आपका क्या घर बना होगा जिसके अब तो कॉलम डाल दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले ऐसे ना, सबसे पहले खसका मतलब क्या खोदे होंगे आप, सबसे पहले फाउंडेशन खोदे, उसके बाद ईंट बालू ईंट डाल करके पानी डाल कर दुरमुर से कूटा जाता है ना। उसके बाद थोड़ा चौड़ा दीवार चलाया जाता है, उसके बाद पतला वाला दीवार चला दिया जाता है। लेकिन ये तो हम अपने घर में करते हैं ना, लेकिन हम क्या ठहरे इंजीनियर, हम अच्छे से बनाएंगे, एकदम डिटेल में बनाएंगे। ठीक है तो देखिए इस तरह का समझ आ गया आपको खस का कटा हुआ, तो इसी को बनाना है। नहीं ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे अरे सर क्या इसको बनाना, नहीं ये 3D है, हम बस आपको सिखाए हैं कि ऐसा होता है। आपको क्या बनाना है इधर से देख के बनाना है, क्या बनाना है आपको ए बस ए वाला पार्ट बनाना है। देखिए ख़त्म कर देते हैं, बस इधर से देख के बनाना है। ठीक है अब समझिएगा, ये हो गया नींव की चौड़ाई, और ज़मीन के जितना नीचे आएंगे वो क्या हो जाएगा आपका नींव की गहराई हो जाएगा, और सारी ए हो जाएगा वाल है ना, और नीचे वाला हो जाएगा आपका फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है चलिए हम अब शुरू करेंगे। यानी आपको समझ आ गया यही वाला पोर्शन बनाना है, देखिए यही वाला पोर्शन बनाना है यही वाला। अब इस पूरा इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। अब समझिएगा क्या दिया है, नींव की चौड़ाई, सबसे पहले नींव की चौड़ाई बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी आपको ना हो सकता है कि शुरू शुरू में हम बनाए तो समझ ही नहीं आए, लेकिन आराम से समझना है, लास्ट तक जाते जाते सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, इतना हम गारंटी देते हैं। ठीक है तो ऐसा नहीं कि बीच में कुछ चीज़ें छूटता है तो भग जाना कि सर ये बताया ही नहीं, हम बताएंगे उसको जहाँ ज़रूरत रहेगी हम वहीं बताएंगे। ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए दीवार की मोटाई है ना, कुछ फार्मूला है मेरे पास, दीवार की मोटाई मोटाई कैपिटल टी कितना मिला है आपका 30 सेंटीमीटर। मेरे भाई दीवार की मोटाई मिला है 30 सेंटीमीटर, आपको क्या बनाना है फाउंडेशन बनाना है। तो आप कहेंगे मास्टर पागल हो गया लग रहा है, भाई हमको फाउंडेशन बनाना है तो कुछ फाउंडेशन का डाटा दीजिए, अब दीवार क्यों दे रहे हैं। क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया है दीवार पतला होता है, दीवार से चौड़ा फाउंडेशन होता है, तो कितना चौड़ा फाउंडेशन हम बनाएंगे, कितना गहरा बनाएंगे, सर तो कुछ दे ही नहीं रहे, आपके मन में होगा कि नहीं। तो चलिए हम निकालते हैं इसके लिए फार्मूला क्या है, थंब रूल उसे कहते हैं। दीवार की नहीं दीवार की मोटाई देगा वो नींव की चौड़ाई, नींव की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है 2t + 30। तो 2t कितना है 30 और 30 कितना है 30, 60, 70, 80, 90 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया नींव कितना चौड़ा खोदना है 90 सेंटीमीटर। ओके अगला देखते हैं। अब कहेंगे सर नींव ज़मीन के नीचे कितना खोदेंगे, गहराई तो बताइए उसकी, तो नींव की गहराई कितना होता है, नींव की गहराई कैपिटल डी कितना होता है। अब देखिएगा यहीं समझिएगा नींव की गहराई कितना होता है, यहाँ समझिए एक लॉजिक समझिए। नींव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उथली और गहरी। अब उथली क्या होता है समझिएगा, चौड़ाई अधिक होता है या गहराई मतलब या बराबर होता है गहराई से। यानी नींव के गहराई हम क्या रख सकते हैं 90 सेंटीमीटर, यानी नींव की गहराई चौड़ाई के बराबर हो सकता है। देखिए उथली नींव में ठीक है, लेकिन समझिएगा यदि 90 सेंटीमीटर की जगह हम लोग 100 सेंटीमीटर रख दें, 120 सेंटीमीटर रख दें, तभी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है समझिए, कहेंगे सर आपके दिमाग में आएगा सर जैसे ही गहराई 100, आप कह रहे हैं कि गहराई 100 भी रख सकते हैं, लेकिन जब गहराई 100 रखेंगे तो ये तो ए हो जाएगा, जब गहराई 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा चौड़ाई से अधिक गहराई हो जाएगा है ना। मान लेते हैं हम गहराई कितना रख रहे हैं, चलिए मान रख ही दे रहे हैं भाई, गहराई हमको उथली नींव बनाने के लिए तो 90 रख देते तो काम चल जाता, या 90 से कम रख देते, तो बात को समझ रहे हैं 90 से कम रख देते या 90। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 100 रख दीजिए, ये तो गहरी नींव हो गया। जबकि खसकादार नींव कौन सा नींव है, जबकि खसकेदार नींव आपका उथली नींव है,
तो ये तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्या स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट क्या है, हम बोल दे रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि समझिएगा, उथली नींव गहरी हो सकती है, उथली नींव गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। क्या कन्फ्यूज़न है, कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि जो उथली नींव है ना, उथली नींव एक गहरी नींव हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे भाई 90 सेंटीमीटर तक हमको नीचे तक जाना था, क्या आप 100 सेंटीमीटर चले जाएंगे तो आपका कमज़ोर हो जाएगा? नहीं। क्या 120 यानी 90 सेंटीमीटर गहराई तक हमको नींव खोदना था और गहरा खोद देंगे तो क्या आपका बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा, नींव कमज़ोर हो जाएगा? नहीं कमज़ोर हो जाएगा, वो मजबूत ही होगा। यानी जितना अंदर ज़मीन के जाएंगे उतना वो मजबूत ही होगा, लेकिन क्या आपका खर्चा बढ़ेगा? बस ज़्यादा गहराई में खोदेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए उथली नींव को अभी हम खर्चा तो निकाल नहीं रहे, खर्चा आप लास्ट सेमेस्टर में निकालिएगा। इसीलिए आप उथली नींव को गहरी बना सकते हैं ड्राइंग में। तो उथली नींव गहरी हो सकती है, है ना। आप थोड़ा सा और गहरा खोद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका मतलब नींव कमज़ोर नहीं होगा, ठीक है। तो उथली नींव गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, उथली नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर तक हमको गहराई तक जाना था, अब 80 सेंटीमीटर गहरा खोदिए। अब बताइए नींव आपका कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? नींव कमज़ोर होना फिक्स है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर गहरा जा था, आप कम ही गहरा जा रहे हैं। तो यही कंसेप्ट है कि उथली नींव गहरी हो सकती है, अधिक गहराई तक हम बना सकते हैं, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। इसलिए हम इसको 90 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, हम 100 रख रहे हैं। कोई शिकायत नाराज़गी साजगी हो तो बता दीजिए, हमको लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए, है ना, समझ आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना। ये दो चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि उथली नींव गहरी हो सकती है, उथली नींव गहरी हो सकती है, गहरी नींव उथली नहीं हो सकती, और कभी भी नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना। हम क्यों ये बात बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, समझ लीजिए। आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा लेट टाइम लगेगा, समझिएगा। यदि कह दिया होता दीवार की मोटाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कह दिया होता तो नींव की चौड़ाई कितना आता, 2t + 30, यानी 2 × 20 + 30, तो कितना गया 70 सेंटीमीटर आ गया ना। तो हम क्या है कि भाई 70 नींव की चौड़ाई के बराबर नींव की गहराई रख सकते हैं, उथली नींव में बराबर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं रख सकते हैं। यहाँ गहराई हमको कितना रखना पड़ेगा, 70 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। अब बताइए यहाँ हमको मजबूरी में गहरी नींव बनाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 70 सेंटीमीटर अगर गहरा जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। यही है बात, इसीलिए इसको बना दिया गया है कि उथली नींव गहरी हो सकती है, अधिक गहराई तक जा सकते हैं, यहाँ मजबूरी है जाना। यहाँ तो हम 90 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो उथली को उथली रहने दे सकते हैं, लेकिन यहाँ IS कोड आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जान जाएंगे, IS कोड जो रिसर्च करते हैं सब, वो सब जो कह देते हैं सब, उसको मानना उसमें हम मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च करके बताया गया, ठीक है। अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग होता है, है ना। जनरली हम 80 ले लिए, बलुई मिट्टी के लिए कुछ और होगा, चिकनी मिट्टी के लिए कुछ और होगा, लेकिन आप याद रखिए कि 80 सेंटीमीटर से कम गहराई नहीं रखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, है ना। इसमें हमको मजबूरी है, गहरा नहीं बनाना ही बनाना। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है, बस इतना ही बताना था। उसके बाद होगा आपका PCC की मोटाई, स्मॉल टी कितना होता है आपका d/3, यानी कितना है 100 का करेंगे 3 तो कितना देगा, है ना। मान लेते हैं 33.33 आएगा, यानी हम इसको कितना ले लेंगे 35 सेंटीमीटर, कि हमेशा 5 के अनुपात में चलना है, हम दशमलव में नहीं चलेंगे, 33.33, ठीक है, हमेशा 5 के अनुपात में चलना है, किस में, फाउंडेशन में, है ना। गलत नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 33.33, यदि कहेंगे हम 32 आ गया होता, देखिए यदि 31 आ गया होता तब तो 30 रख देते, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि मोटाई जितना डिज़ाइन करके आ रहा है उससे कम मोटाई रखेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। यदि वो 31 भी आया होता तो हम मान लेते 35 फाउंडेशन में, ठीक है,
है ना, फाउंडेशन इतना एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आपका बहुत ऊपर का फर्श नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन है नीचे का है तो ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यदि 31 भी आता तो हम 35 से रखते, यानी आपको जो इतना मोटा था 31 तो 30 बना देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, 31 है तो 35 बना देंगे तो कमज़ोर नहीं होगा। तो 5 के अनुपात में चलना है, लेकिन डाटा को बढ़ा कर लिखना है ना। यदि ये नहीं सोचना कि 35 के पास है तो 35 लिख दिया, नहीं 35 लिखे नहीं, ये तो 30 से अधिक रहता तो हम 35 ही लिखते हैं, यदि 36 आ जाता तो हम 40 लिख देते हैं, ठीक है। 5 के रेशियो में चलना है, बढ़ा कर लिख देना है, आगे बढ़े ना, ठीक है। अब देखिएगा, ये बस इतना है हमको नोट करना होता है, सारा चीज़ें दिख रहा है क्रिस्टल क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो नहीं तो 35 तो अब तक फंस गया होता, थोड़ा नीचे जाते तो नहीं दिखता, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, थोड़ा सा हिल गया होगा कैमरा, चलिए ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, हाँ एक स्केल मानेंगे सबसे पहले, स्केल कभी मत भूलिएगा, कसम खा लीजिएगा, स्केल है ना, 10 सेंटीमीटर को कितना लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर। अभी आप बच्चे मतलब अभी आप लोग नया नया थर्ड सेमेस्टर में हैं तो संबंधे में नहीं बता रहे हैं, हम बहुत शॉर्ट कट स्केल बता रहे हैं, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, एक संबंध 10 वगैरह अभी बाद में वो सिखा देंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को हम कितना मानेंगे स्केल, 1 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, नींव की चौड़ाई कितनी है, नींव की चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को हम 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर हम चल देंगे। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है आपको PCC ना समझ आया, हम बता रहे हैं ना सारी चीज़ें समझ आएगी, PCC सिंपल समझिए, हम सारी चीज़ें PCC क्या होती है हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। PCC अपने घर में आप सोचिए, जब नींव खोदा जाता है तो सबसे नीचे ईंट डाल करके, बालू डाल कर, पानी डाल कर कुटाई करते हैं कि नहीं, दुरमुट से करते हैं ना। आपके घर में या मेरे घर में तो ईंट डाला जाता है, लेकिन भाई ये इंजीनियरिंग का वर्क है, यहाँ ईंट नहीं डालेंगे, यहाँ PCC डालेंगे। PCC मतलब समझ आ गया होगा, है ना, सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्सर, 1 4 8, 1 5 10, 1 6 12 का कमज़ोर रहता है ना। तो ईंट के जगह कमज़ोर हम कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट बालू का मिक्सर डालते हैं, वो PCC होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके ऊपर दीवार चलाएंगे तो समझिएगा, 90 सेंटीमीटर खींच दिए नींव की चौड़ाई, PCC की मोटाई कितनी है, 35। तो 35 को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर को 3.5 सेंटीमीटर, देखिए 3.5 सेंटीमीटर बना दिए, क्या किए, पैक कर दिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, कई बार जाना पड़ता है ड्राइंग में, कुछ छूट ना जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मेरे भाई, 90 सेंटीमीटर। जितना दूर देखिए, एक एक एक्यूरेसी हम बताएंगे, जितना यहाँ से दूरी बनाइएगा उतना दूरी यहाँ से भी, 35 सेंटीमीटर। और ड्राइंग में कोई भी स्मॉल लेटर नहीं चलने वाला, एरो बनाना आपको आता होगा है ना, एरो उसी तरह बनाना है जिस तरह फर्स्ट में बनाते होंगे। यदि के ग्रुप वाले लड़के होंगे तो कमेंट जरूर कर देंगे, हम के ग्रुप वाले हैं, हम उनके लेवल से लेके चलेंगे, ठीक है। तो 35, अब देखिएगा, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, पहला खसका कितने का छोड़ेंगे भाई, 15 सेंटीमीटर का, पहला खसका कितने का छोड़ दिया, 15 सेंटीमीटर का, इन यहाँ से यहाँ कितना है, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। जितना यहाँ से दूरी वहाँ से इतना दूरी, तभी आपका ड्राइंग सुंदर लगेगा, ठीक है। कितना, 90 में से 30 घटा देंगे तो एक कितना बचेगा आपका, 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई एक ईंट रखेंगे तो एक ईंट की ऊंचाई कितनी होती है बताइए, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ के आए होंगे है ना, बिल्डिंग मटेरियल, देखिए ए होता है आपका 19, ए कितना होता है आपका 9, ऊंचाई भी कितना होता है 9, यानी 9 सेंटीमीटर। लेकिन नीचे रखने से पहले, ईंट को रखने से पहले मसाला भी तो रखेंगे, तो ऊंचाई हम कितना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए मान लेते हैं ईंट है, तो इसकी चौड़ाई और मोटाई क्या है ना, ईंट है तो इसकी चौड़ाई और मोटाई क्या है, सेम है। यदि इस पर रखेंगे तभी 10 मिलेगा, इस तरह रखेंगे तभी 10 ही मिलेगा, इस तरह तो ईंट रखते नहीं हैं, नहीं तो कहेंगे सब जंगल से पकड़ के आया वो इंजीनियर है ना। तो कितना ऊंचाई मिल गया हमको, 10 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर आएंगे स्केल पे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर को हम भाग देंगे 10 से,
तो 10.5 सेंटीमीटर यानी 5 mm, ठीक है। कितना इधर आएंगे, 5, देखिएगा 5, फिर 10 सेंटीमीटर, यानी उठा कितना रहा, एक ईंट रखेंगे, एक है ना, देखिएगा एक ईंट रख दिए, यानी पहला खस का 15 का, उसके बाद कितने का खस का, 5 का, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने का जगह नहीं है, लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही तरफ लिखते हैं, पाँच सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना बचा, देखिएगा यहाँ से जितना दूरी पर है, यहीं से यहाँ से इतने दूरी पर है, अब कितना बचा, 50 सेंटीमीटर, है ना मेरे भाई। देखिए 60 में से 15 घटा तो बचा, नहीं 90 में से 15 60, उसके बाद 5 10 घटा, 50 बचा, अभी फिर 5 का एक ईंट चल देंगे, उसके बाद फिर 5 का, अब कितना बचा बताइए, 40 बचा, यानी कितने का खसका छोड़े हम, 5 का, उसके बाद फिर 5 का, कितना हो गया आपका, 30, है ना। सबकी ऊंचाई कितना कितना है, 10 सेंटीमीटर उठाएं, क्योंकि एक ईंट रखा गया, एक ईंट बाद खसका छोड़ा गया। अब समझिएगा उसके बाद क्या बना देंगे हम, ईंट बना देंगे, है ना, ईंट, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, पिछले है ना, लेकिन हम पिछले बताइए, पिछले क्या बताए थे, पिछले क्लास में क्या बताए थे, ईंट का सिंबल बताइए मेरे भाई, ईंट का सिंबल क्या होता है, देखिए ऐसा होगा, ये होता है आपका ईंट का सिंबल, ठीक है। देखिए सबके बीच की दूरी बराबर बराबर रखना है, ठीक है, यानी इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए जितना ही बनाएंगे, और इन दोनों में भी सेम होना चाहिए, ठीक है, सारा हम बता दे रहे हैं सावधानी। अब देखिएगा हम इसको कैसे बनाते हैं, ये आपका PCC है, तो PCC को हम बताए थे ट्रायंगल बनाएंगे, इधर उधर ट्रायंगल, है ना, बीच में खाली होता है PCC, आप PCC को CC की तरह भर सकते हैं, कोई वो इसमें दिक्कत नहीं है। कंक्रीट बन गया, बालू गिट्टी बना दिए, समझ आने लगा कि नहीं ड्राइंग, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं सर आप पढ़ा दें दिक्कत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखिए क्या आपको याद रखना है, फाउंडेशन में इतना फार्मूला तो याद ही रखना है, उसके बाद स्केल, ठीक है, स्केल याद नहीं किया था, अपने अनुसार घटा बढ़ा लिया था, ठीक है ना। अब समझिएगा जब फाउंडेशन बनाते हैं तो पहला खसका जो याद करना है वो बता रहे हैं, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, पहला खसका PCC के ऊपर, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। देखिए जैसे क्या हो गया, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। दीवार की मोटाई 30 था, तो देखिए 30 मिला कि नहीं, देखिए यहाँ से कितना मिल गया आपको, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए 90 था, 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, 30, अब 30 वाले को काटना नहीं है, देखिए 50 वाले से पहले ही हम रोक दिए हैं, दिखना चाहिए वो 50 है, ठीक है, ऐसा नहीं उस पर भी लाइन खींच दीजिएगा, है ना। तो पहला खसका 60 50 40 30 का हो गया 5 सेंटीमीटर का, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। फिर सुनिए, पहला खसका पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। और ये फार्मूला याद रखना है, दीवार की मोटाई टी, नींव की चौड़ाई 2t + 30, नींव की गहराई चौड़ाई के बराबर भी रख सकते हैं, 10, 20, 30 सेंटीमीटर अधिक भी रख सकते हैं। PCC की मोटाई D/3 होता है, हमेशा 5 के रेशियो में चलते हैं, बढ़ा के लेते हैं जो भी अंक मिलेगा उसके अगला वाला 5 के रेशियो, है ना, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद इसी दीवार को ऊपर चल देंगे, है ना, कहेंगे सर ऐसे टेढ़ा चलेंगे, नहीं मेरे भाई आपके पास अब बिना MD का कुछ नहीं बनाना है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है बिना MD का आ गए हो, मेरे पास पिटा देंगे बिना MD का, है ना। ये हो गया दीवार, देखिए हमको क्या पढ़ना है, नींव पढ़ना है ना, तो हमको ऊपर से नहीं लेना देना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, बीच में एक लाइन और इस तरह कर देंगे, ठीक है। यानी एक इसका सिंबल है, कंटिन्यूअस का सिंबल है, कि नींव के ऊपर दीवार तो बहुत ऊंची तक है, लेकिन हमको दीवार में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, और लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
इसमें इंटरेस्टेड है ना, हम न्यू पढ़ रहे हैं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, न्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो हम न्यू दिखाएंगे। ऊपर दीवार ऊपर तक जा रहा है तो हम क्या बना दिए, कंटिन्यूस बना दिए। देखिए न्यू की चौड़ाई हो सॉरी दीवार की मोटाई आपको मिल गया, न्यू की चौड़ाई भी मिल गई, पीसीसी की मोटाई भी मिल गई। अभी क्या चाहिए, न्यू की गहराई। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ से मतलब मापना इधर तो है ना, इधर क्या करेंगे, रखेंगे स्केल और 90 सेंटीमीटर आएंगे माप के काट देंगे, जहाँ भी 90 सेंटीमीटर आए सॉरी 100 लिए हैं ना, न्यू की गहराई 100 लिए हैं, यानी 100 सेंटीमीटर नहीं, स्केल पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर आएंगे और एक लाइन खींच देंगे। और ये किसका सिंबल है, तीन तीन लाइन छोटा छोटा है ना, किसका सिंबल है बताइए, जितना इधर देखिए जितना इधर उतना इधर, उधर तीन जगह खींचें तो इधर ये तीन जगह खींचिए तभी सुंदर लगेगा। इसे कहते हैं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का सिंबल है, यानी इसी के नीचे ज़मीन है, इसके ऊपर क्या है खाली है, ग्राउंड लेवल यही तो, ग्राउंड लेवल के नीचे ही तो नहीं कोई गहराई होती है। उसके बाद ग्राउंड लेवल के ऊपर आते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर, कितना आएंगे 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस का, है ना। आप कोई एक जाइएगा, आप 45 जाइएगा, 50 जाइएगा, 55 जाइएगा, 60 जाइएगा, आपको इस तरह नहीं लिखना है, 45 से 60 आपको कोई एक लिखना है, ठीक है, चले जाइएगा और पूरे लंबाई में खींच दीजिएगा। इसे कहते हैं प्लिंथ लेवल, यानी कुर्सी तल। अब एक बात और, ये फाउंडेशन कई तरह से बनता है, हम आपको एकदम इजी तरह का बताते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं किसी और के पास पढ़िएगा तो कंपेयर करने लगेगा कि ए सर कुछ और तो बताए थे, ए सर कुछ और बता रहे हैं, हम आपको सबसे इजी तरह से जो बताता है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उनका गलत है या फिर मेरा गलत है, सब लोग सही बताते हैं, हम मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबसे ईजी तरह से बताएंगे हम, ठीक है। एक क्या होगा प्लिंथ लेवल, कुर्सी तल, है ना, जिस पर फर्श वगैरह बनता है वो क्या होता है आपका कुर्सी तल होता है, प्लिंथ लेवल हिंदी कुर्सी तल होता है। और उसके बाद पूरा बना दीजिए ईंट का, ईंट का सिंबल, देखिए जहाँ 30 लिखे हैं वहाँ छोड़ दे रहे हैं, ये ईंट का सिंबल है ना, हर जगह क्या होना चाहिए सेम डिस्टेंस का, ये हो जाएगा आपका ईंट का सिंबल, ईंट का हो गया आपका सिंबल, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या होगा, जो ये नींव है तो ज़मीन के नीचे है, अब नींव क्या करेगा, ज़मीन हमेशा नमी रहती है, ज़मीन से हमेशा ईंट है ना, ऐसा क्या है ईंट है, ईंट नमी खींचेगा और ऊपर चढ़ा देगा, ईंट क्या खींचेगा, नमी खींचेगा और ऊपर चढ़ा देगा, पूरा आपका दीवार का प्लास्टर क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, क्योंकि ईंट नमी सोखता है और ज़मीन के नीचे तो नमी रहता है, बताइए ईंट ही है ना, नमी सोखेगा और नमी को धीरे 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 चढ़ा देगा, कैपिलरी एक्शन द्वारा छत पर पूरा ख़राब कर देगा। इसके लिए क्या करते हैं, जब हम नींव बना रहे थे तो प्लिंथ लेवल पे क्या करते हैं ना, डीपीसी लगाते हैं, क्या लगाते हैं मेरे भाई, डीपीसी। अब कहेंगे डीपीसी क्या है, तो डीपीसी को हम बताए थे कि आपका डैम प्रूफ कंक्रीट, वो बस याद करने के लिए बताए थे, डीपीसी मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स, हाँ लिख देते हैं, ये पीसीसी था, इसको हम मिटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, हाँ डीपीसी क्या होता है आपका, डीपीसी डैम प्रूफ, आपको इतना याद हो गया कि कंक्रीट होता है ना, कोर्स होता है, इंग्लिश नहीं पता है घसीट दिए, हिंदी लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग नहीं याद है हमको, सीलन रोक रद्दा, रद्दा। अब रद्दा किसे कहते हैं भाई, एक एक ईंट का चिनाई किए फिर मसाला रखे, दूसरे ईंट का चिनाई किए फिर मसाला रखे, तीसरा ईंट का है ना वो क्या है रद्दा, जैसे कि एक रद्दा ये सब ईंट है, एक रद्दा, हाँ यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए एक रद्दा, फिर इसके ऊपर मसाला रखेंगे, फिर दूसरा रद्दा, फिर मसाला रखेंगे, फिर तीसरा रद्दा, समझ गए, इसे रद्दा कहते हैं, है ना। और जोड़ने की प्रक्रिया को चिनाई कहते हैं, हम लोग इंजीनियर आदमी है जोड़ाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चिनाई बोलेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करते जाएंगे, जब ईंट को जोड़ते हैं ना, जब यहाँ तक आएंगे प्लिंथ लेवल तक, समझिएगा, जब प्लिंथ लेवल तक जोड़ते हुए आएंगे, ये मान लेते हैं क्या हो गया प्लिंथ लेवल, इसके बाद इसके ऊपर ना हम कंक्रीट का परत बिछा देंगे। अब कंक्रीट का परत, किसका परत मेरे भाई, कंक्रीट का परत, ये देखिए एक किसका परत हो गया, कंक्रीट का परत, यही क्या होता है आपका डीपीसी होता है। अब डीपीसी में क्या रहता है, इम्प्रोमो सीमेंट रहता है, सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्सर होता है, और सीलन रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ उसे इम्प्रोमो सीमेंट कहते हैं डाल देते हैं, वो बात की चीज़ें हैं, ड्राइंग मौसम नहीं पड़ना है। यानी अब क्या डाल दिए, इसके ऊपर जब कंक्रीट डाल दिए ना, तो देखिए इधर से सीलन आया, ईंट सोखा सीलन को, खींचा सीलन को, और कंक्रीट के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जहाँ कंक्रीट क्या आपका छत से सीलन नीचे आता है, और जहाँ दरार रहता है वहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। छत यानी कंक्रीट को छेद कर सीलन नहीं जा सकता है ना,
तो देखिएगा एक क्या है, देखिए एक क्या है, कंक्रीट है तो अब सीलन क्या होगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। अब क्या सीलन ऊपर चढ़ पाएगा बताइए, नहीं चढ़ पाएगा, कंक्रीट उसको रोक देगा। तो इसी कहते हैं डीपीसी। अब ये कितना मोटा डैश करेंगे, इस ए होता है आपका, यहाँ ले आइएगा ठीक है, यहाँ से ले आना है और तीर बनाना है, एरो अच्छे से बनाना है। क्या लिखेंगे, डीपीसी ढाई सेंटीमीटर, ढाई सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ठीक एक संबंध है, डेढ़ संबंध है, तीन का। अब संबंध है आपको पता है सीमेंट वालों गिट्टी, अब ढाई से 4 सेंटीमीटर थिक, तो अपने अनुसार आपको लिख देना है, 2.5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 3.5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर, आपको कोई एक ही लिखना है ठीक है। ऐसा नहीं कि 2.5 4 लिखिएगा, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना मोटा लिख रहिएगा, यानी 4 सेंटीमीटर यानी 4 mm क्या कर देना है आपको उस पर, उसको हैचिंग कर देना है। जितना आपको कंक्रीटिंग नहीं दिखाना है, दिखा भी सकते हैं है ना, लेकिन नहीं दिखाते हैं वो, क्या करते हैं उतना हम मोटा हैचिंग करके दिखा देते हैं डीपीसी ठीक है। समझ आ गया ना डीपीसी का यूज। अब समझिएगा, अभी किनारे किनारे सीलन लग सकता है तो क्या कर सकते हैं, प्लास्टर, सुंदर लगने के लिए प्लास्टर कर देते हैं। देखिएगा अब थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं कि नहीं, देखिए प्लास्टर थोड़ा सा मोटा, थोड़ा जाइए मोटा, और जीएल से 10 या 15 सेंटीमीटर नीचे, जीएल से ग्राउंड लेवल से 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा नीचे, बस इसको इसकी मोटाई 1.5 mm 2 mm रखते हैं। है ना, जीएल से 10 या 15 सेंटीमीटर नीचे, और क्या लिख देंगे आप, यहाँ लिखेंगे प्लास्टर, प्लास्टर एक संबंध है 4 का, इसे क्या लिखेंगे वाल, ये दीवार हो गया है ना। एक क्या चीज़ है, इसे लिखेंगे PCC, कोई भी स्मॉल लेटर नहीं, PCC एक संबंध है 4 संबंध दिया, बताइए कमज़ोर है कि नहीं है, कहेंगे आप सर कमज़ोर है ना। PCC हो गया, 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। अब 5-5 सेंटीमीटर कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, इन सबको एक जगह ले कर आ सकते हैं आप, कैसा भी लिख सकते हैं, इन सबको एक जगह लेके आ सकते हैं आप, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ठीक है, कैसा भी लिख दीजिए। PCC हो गया, DPC हो गया, फाउंडेशन हो गया है ना। नीचे क्या लिख देना है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, आपको कंजूसी नहीं करना, आपको अच्छे से लिखना है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है, ग्राउंड लेवल इतना ही है बस। बताइए फ्रंट व्यू बनाना तो 3D नहीं बनाना होता आपका, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में इतना ही बनाना होता है, और कुछ सावधानी, इसको देखें मेरे पास बोर्ड कम है तो इसको छोटा ही रखें, लेकिन इसको इतना बड़ा रखना है कि सुंदर लगे है ना, एकदम यदि प्लिंथ लेवल के नीचे ही काट देंगे तो सुंदर नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ना, इसके ऊपर थोड़ा दीवार की लंबाई बढ़ा देना है कि थोड़ा सा सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत ड्राइंग में क्या है कि थोड़ा बहुत गलत बना देंगे ना, थोड़ा बहुत इरर आ जाएगा तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यदि वो सुंदर नहीं लग रहा है ना, यदि वो खराब लग रहा है, यदि गंदा कर दिया तो काट देंगे सब, तो सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान रखना है ठीक है, अपने नहीं ड्राइंग के। अब समझिएगा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल, अब कुछ नहीं छूट रहा है ठीक है, तो एक कंप्लीट हुआ क्या स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आज का वीडियो थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग का पहला वीडियो था, तो बहुत बेसिक चीज़ को हम लेके चले हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। अब जो अगले वीडियो आएगा, जितना वीडियो आता रहेगा उतना कम टाइम में होता जाएगा है ना, उसमें मेन एंड बताएंगे कि यहाँ से जितना दूरी पर रखना है उतने दूरी पर इसको रखना है, सबको देखते हुए चलना है, तीर ऐसे बनाना है, कैपिटल लेटर लिखना है, सीमेंट वालू गिट्टी ये सब कहेंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आपको जानकारी होता जाएगी। तो आगे का जो भी आपका क्लास रहेगा वो 20 से आधा घंटा 30 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, यदि समझ आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि आप लोग नए नए जुड़े हमको समझ आना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों का लेवल क्या है ठीक है ना। तो आई होप, हम आशा करते हैं आप सबको भेजेंगे वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।